इस वीडियो में हम रूरल सोशियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस का यूनिट 4 का पार्ट है। हमने ऑलरेडी अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ लिया है, अब अगर हम रूरल सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा यूनिट 4 कवर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपकी काफी हेल्प होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। पहले हम कुछ फैक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा पूरा फोकस होता है कि आपको मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाए, तो उसी हिसाब से मैं नोट्स बनाता हूं और उसी हिसाब से आपको एमसीक्यू लगाने होते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला फैक्ट है, एल क्रोबर जो एक थिंकर है, वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं पीजेंट सोसाइटी। नेक्स्ट थिंकर है बोगार्डस, जिनका एक कोट है, ह्यूमन सोसाइटी हैज बीन क्रडल्ड इन द रूरल ग्रुप। एक और फैक्ट है, अगर पूछ ले कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया था, तो 1928 में आया था। नेक्स्ट फैक्ट है, रूरल सोशियोलॉजी जो एक जर्नल है, वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, 1935 में यूएसए में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है, एसी दुबे जो हमारे थिंकर हैं, इंडियन थिंकर हैं, उन्होंने सबसे पहले फुल लेंथ सोशियोलॉजिकल स्टडी किया था किसी विलेज का। उस विलेज का नाम था समरपीट, जो तेलंगाना के पास है, और जिनकी बुक है उसका नाम है इंडियन विलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आपको याद कर लेना है। इंडियन विलेज है एसी दुबे का, इंडियाज विलेज है एमएन श्रीनिवास का, और विलेज इंडिया है मैकम मेरिट का। ये कई बार हम कन्फ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। एक और बुक है रूरल प्रोफाइल्स, ये है डीएन मजुमदार का। इंडियाज विलेज, रूरल प्रोफाइल्स और विलेज इंडिया, ये तीनों 1955 में पब्लिश हुए थे। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव कौन कौन से होते हैं विलेज को स्टडी करने के। तो पहला पर्सपेक्टिव है इवोल्यूशनरी। हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी का इवोल्यूशन लीनियर वे में हुआ है, मतलब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही इस पर्सपेक्टिव पे थिंकर बोलते हैं कि विलेज का भी इवोल्यूशन सेम उसी तरीके से हुआ है। इसके थिंकर हैं हेनरी मेन, जो कि इंडियन विलेज को इवोल्यूशनरी स्कीम में रखते हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं बैडन पॉवेल, जो इंडियन विलेज के ओरिजिन और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। एक थिंकर हैं मान, जिन्होंने स्टडी किया था डेक्कन विलेज का। और नेक्स्ट थिंकर हैं विलियम एस वाइजर, जिन्होंने जजमानी सिस्टम का और रूरल सोशल स्ट्रक्चर का स्टडी किया था। ये दोनों थिंकर भी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में आते हैं। सेकंड पर्सपेक्टिव है एथनोग्राफिक कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसमें हम किसी एक स्पेसिफिक कल्चर का स्टडी करते हैं एथनोग्राफिक वे में। नॉर्मली इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड का मॉडल यूज करते हैं स्टडी करने में। इसके थिंकर हैं मिल्टन सिंगर, जिन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन को इंडियन विलेज पे अप्लाई किया था। नेक्स्ट थिंकर हैं मैकम मेरिट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है यूनिवर्सलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन का। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंकर है भंडारी, जिन्होंने एक टर्म कॉइन किया था इमर्जेंट पीजेंट। ऐसे ट्राइब जो लोग सेटल कल्टीवेशन करते हैं उनको भंडारी बोलते हैं, इमर्जेंट पीजेंट। नेक्स्ट थिंकर है गोस्वामी, जिन्होंने भंडारी के इमर्जेंट पीजेंट को एक नया नाम दिया था प्रोटो पीजेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आपको याद कर लेना है। ये सारे थिंकर एथनोग्राफिक कल्चर पर्सपेक्टिव से थे। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। इसमें हम जानते हैं क्या होता है। इसके थिंकर मानते हैं कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, मीन सोसाइटी को ये लोग पॉजिटिव वे में हमेशा देखते हैं। इसके थिंकर हैं एफजी बेले, जिन्होंने उड़ीसा के बीसी पारा विलेज का स्टडी किया था और ये पूछता भी है। नेक्स्ट थिंकर हैं स्कारलेट एपिस्टाइन, ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे और इन्होंने मैसूर के वांगाला और देलेना विलेज का स्टडी किया था। और थिंकर आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के, मैक कॉरमैक, एसी मेयर, निकोलस और स्टीन और एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज का स्टडी किया था जो मैसूर में है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट, ये लोग बोलते हैं पीजेंट्री में भी क्लास डिफ्रेंसिएशन है, हर जगह यूनिटी नहीं है और वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ भी टेंशन रहता है। इसके थिंकर हैं आर के मुखर्जी, जिन्होंने बंगाल के 6 विलेज का स्टडी किया था और दिखाया था कैसे वहाँ की पीजेंट में इनइक्वेलिटी है। दूसरे थिंकर हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के कैथलीन गफ, जिन्होंने मद्रास के तंजौर विलेज का स्टडी किया था। नेक्स्ट थिंकर हैं जैन ब्रीमैन, इनकी बुक है पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फुट लूज लेबर का और ये गुजरात में स्टडी किए थे हाली सिस्टम का। दो विलेज का ये बात करते हैं, चिखलीगम और गांडेवीगम। अगर पूछ ले कि चिखलीगम और गांडेवीगम किससे रिलेटेड है, तो वो जान ब्रीमैन थे। एक बुक है बिहाइंड पॉवर्टी द सोशल फॉर्मेशन इन ए तमिलनाडु विलेज, ये है गोरन जोफेल्ड का और स्टेफन लिंडबर्ग का। पता नहीं मैं नाम से इसलिए ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, बट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट थिंकर हैं आनंद चक्रवर्ती, जिन्होंने राजस्थान के विलेज का स्टडी किया था। और सारे थिंकर हैं मार्क्सिस्ट के, जॉन हैरिस और जेपी मेंसर। अब देखते हैं पीजेंट क्या होते हैं। एल क्रोबर की बुक है एंथ्रोपोलॉजी,
जिन्होंने इस बुक में डिफाइन किया है कि पीजेंट होते क्या हैं। ये मानते हैं ऐसे लोग जो डेफिनेटली रूरल एरिया में रहते हैं और उनका अपना एक कल्चर होता है, बट फिर भी वो किसी न किसी तरीके से मार्केट से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं हम पीजेंट। इनमें लैक ऑफ आइसोलेशन होता है। रॉबर्ट एडफील्ड की एक बुक है टेपो जाल्टन, जिन्होंने स्पेनिश स्पीकिंग पीपल का स्टडी किया था जो कि मैक्सिको के पास में है, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फॉल्क अर्बन कंटिन्यूम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि फॉल्क अर्बन कंटिन्यूम किसका है, तो वो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। रेडफील्ड की और सारी बुक है चान कोम अ माया विलेज, दूसरी बुक है द फॉक कल्चर ऑफ यूकांटन, तीसरी बुक है द प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, चौथी बुक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। फिर हमारे थिंकर हैं लेनिन, जो एग्रीकल्चर के क्लास स्ट्रक्चर को 6 पार्ट में बांटते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, केवल नाम इंपॉर्टेंट है, डीप में उतना पूछता नहीं है। अगर आपको डीप में पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। पहले आते हैं एग्रीकल्चरल प्रोलेटेरिएट, दूसरे नंबर पे आते हैं सेमी प्रोलेटेरिएट या फिर पीजेंट, तीसरे आते हैं स्मॉल पीजेंट्री, चौथे नंबर पे आते हैं मिडिल पीजेंट्स, पांचवें नंबर पे आते हैं बिग पीजेंट्स, और छठवें नंबर पे आते हैं बिग लैंडलॉर्ड्स। ऐसे ही एक थिंकर है माओ, माओ से तुम या माओ जेडोंग बोलते हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने भी डिवीजन किया है पीजेंट के क्लासेस का। नंबर वन पे आते हैं लैंडलॉर्ड्स, नंबर टू पे आते हैं रिच पीजेंट्स, नंबर थ्री पे आते हैं मिडिल पीजेंट्स, नंबर फोर पे आते हैं पुअर पीजेंट्स, और नंबर फाइव पे आते हैं द वर्कर्स। अब कुछ ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, उसको आपको याद कर लेना है। ऑथर हैं एंसन बर्ग, जिनकी बुक है द आयरिश कंट्री मैन एंड फैमिली एंड कम्युनिटी इन आयरलैंड। नेक्स्ट थिंकर हैं कैरोलेट चैम्पमैन, इनकी बुक है मिलोका अ सिलिकियन विलेज। नेक्स्ट थिंकर हैं जॉन एफ एम्ब्री, इनकी बुक है सुएमुरा अ जापानीज विलेज। नेक्स्ट थिंकर हैं सियाओ तुंगफी, इनकी बुक है पीजेंट लाइफ इन चाइना। नेक्स्ट थिंकर हैं ऑस्कर लेविस, इनकी बुक है लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज। नेक्स्ट थिंकर हैं डेनियल थॉर्नर, जो बात करते हैं बिल्ट इन डिप्रेशन का। इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह बना होता है जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रोकते हैं, उसी फैक्टर को डेनियल थॉर्नर बोलते हैं बिल्ट इन डिप्रेशन। नेक्स्ट थिंकर हैं डब्ल्यू आई थॉमस एंड एफ जेनेकी, इनकी बुक है द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। डोरीन वर्नियर, इनकी बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ पीजेंट फार्मिंग। रेमंड फिर्थ की एक और बुक है मलाय फिशरमैन देयर पीजेंट इकोनॉमी। फर्थ एक टर्म यूज करते हैं अ सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी, ये भी आपको याद कर लेना है। एक और बुक है फर्थ की एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1951 में लिखी गई थी। एक थिंकर है सिल्वरमैन, जो बोलते हैं रेडफील्डियन अप्रोच की तीन स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है वे ऑफ लाइफ, दूसरा है कम्युनिटी, और तीसरा है ट्रेडिशन, जो कि डिफाइन करता है पीजेंट को कि उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी है, उनकी कम्युनिटी कैसी है और उनका ट्रेडिशन कैसा है। उसी आधार पर हम बांटेंगे कि वो पीजेंट हैं कि नहीं है। नेक्स्ट थिंकर है सानिन, जिनकी बुक है पीजेंट्री डिलिनिएशन ऑफ ए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये उनकी बुक नहीं आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। आप देखते हैं इंडिया में कौन कौन थिंकर्स काम करते हैं पीजन की स्टडी में, तो सबसे पहले आते हैं मिल्टन सिंगर, जिन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन को इंडियन विलेज सिस्टम में स्टडी किया था। नेक्स्ट थिंकर है जॉर्ज एम फोस्टर, जो ये बुक लिखते हैं इंट्रोडक्शन व्हाट इज ए पीजेंट इन पीजेंट सोसाइटी। फिर मैकम मेरिट है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट देते हैं यूनिवर्सलाइजेशन का और पोरोसलाइजेशन का, तो यहाँ पे मेंशनड है। ऑस्कर लेविस का एक कॉन्सेप्ट है रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ये भी आपको याद करना है। फिर ऐसे दुबे आते हैं और इंडियन ट्रेडिशन को पांच भाग में बांटते हैं। पहला है क्लासिकल, दूसरा है रीजनल, तीसरा है लोकल, चौथा है वेस्टर्न, और पांचवा है इमर्जेंट नेशनल। ये पीवाई में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना है। एक बुक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये हेनरी मैन की बुक है। टी एस एपिस्टाइन की बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये भी आपको याद रखना है। गिलबर्ट सल्टर की बुक है साउथ इंडियन विलेजेस, ऐसी दुबे की बुक है इंडियन विलेज, और दूसरी बुक है इंडियाज चेंजिंग विलेज। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आपको याद कर लेना है। एम एन श्रीनिवास की बुक है इंडियाज विलेज, मैकम मेरिट की बुक है विलेज इंडिया, और दूसरी बुक है इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरी। डी एन मजुमदार की बुक है रूरल प्रोफाइल्स, और ये कॉन्सेप्ट देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। जी एस घुरिया की बुक है आफ्टर द सेंचुरी एंड अ क्वार्टर, और ये लोनीखंडा विलेज का स्टडी करते हैं। ए आर देसाई की बुक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। के एल शर्मा की बुक है चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, और ये यूज करते हैं वेबेरियन अप्रोच का। रेमंड फिर्थ एक वर्ड यूज करते हैं फैक्शन, जिसका मतलब होता है रूरल। डेविड मार्टिन बॉम की बुक है सोसाइटी इन इंडिया। रामकृष्ण मुखर्जी की बुक है डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। एम एस ए राव यादवपुर विलेज का स्टडी करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं फ्रिंज विलेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। फ्रिंज ऑफ दिल्ली का स्टडी करते हैं और ये कॉन्सेप्ट देते हैं फ्रिंज का। डेनियल थॉर्नर बात करते हैं मालिक किसान मजदूर का। नेक्स्ट थिंकर है डी एन धनागरे,
जो पांच टाइप की एग्रीगेरियन क्लासेस का बात करते हैं। पहला है लैंडलॉर्ड्स, दूसरा है सब टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स, तीसरा है रिच पीजेंट्स, चौथा है रिच टेनेंट्स, पांचवा है मिडिल पीजेंट्स। के शर्मा बात करते हैं ऑनर कल्टीवेशन, लार्जली ऑनर कल्टीवेशन, थर्ड है लार्जली टेनेंट कल्टीवेशन, फोर्थ है टेनेंट कल्टीवेशन और फिफ्थ है टोटल पुअर पीजेंट। ये पांच टाइप की क्लास का बात करते हैं के शर्मा। अब कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट हुए थे इंडिया के आज़ादी के पहले, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपको याद कर लेना है। अगर आपने याद नहीं किया तो आप एमसीक्यू गलत करके आएंगे, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था और कौन सा मूवमेंट बाद में हुआ था। उसके बाद कौन कौन से थिंकर ने कौन कौन से विलेज का स्टडी किया है, पूरा मैंने यहाँ पे पीडीएफ लगा दिया है, बहुत सारे हैं बट सबको आपको याद कर लेना है। जितना बढ़िया से आप मेहनत किए रहेंगे उतना आपका चांस ज़्यादा रहेगा और लोगों से आगे बढ़ने का और जीआरएफ होने का। बाकी अगर एमसीक्यू लगाना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके लगा सकते हैं।